पे रखनी है, उसका वेट करना है, वेट अपना किसका डोंट डाउन करना है, ठीक है। इसमें इसको क्लियर करेंगे, ठीक है, इसको लाओ यही नहीं ये स्पाइक चला रहे इसका, ठीक है। स्पाइक देखो इसकी स्केल जो है वो थोड़े बहुत रिमूव हो गए हैं सारे, इसके ऐसे इरेगुलर स्केल, बड़े बड़े स्केल्स होते हैं। ये वाली है कम्युनस, इसकी इसका इसका अरेंजमेंट होता है स्केल का बड़ा यूनिफॉर्म, ठीक है। अब मैं फिर इसी से दिखाऊँ, पानी मार दो इसको, पानी दो, ये मर जाएगी बेचारी। ये इसका स्नाउट फिंडलम है, ये डॉर्सल फिन है, जो एनल फिन है, ये कॉडल फिन है, एनल फिन है, ठीक है। यहाँ एक से देखो, यहाँ लेटर लाइन हो गई, यहाँ डॉट 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 लेटर लाइन, लेटर लाइन के नीचे होता है सेंसरी ऑर्गन, न्यूरोमस्कुलर ऑर्गन, जो डिटेक्ट करते हैं वाइब्रेशन, डिटेक्ट करते हैं प्रेज को, वाटर करंट्स को, रियो रिसेप्टर्स, ठीक है। आप क्या करेंगे देखो, अब आपके पास डिवाइडर वगैरह नहीं है, देखो ठीक है, लाओ पेन, ये भी चलेगी, पेन लाओ। अब हम एक आसान तरीका दिखाएंगे मॉर्फोमेट्री का, फिर इसमें क्या है कि मतलब हम थोड़ा जोर से हम यहाँ से धागा भी लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं, तो फिर उसको धागा को यहाँ से। अब एक तरीका ये भी है, देखो ये स्नॉट है ना, स्नॉट से यहाँ से एक लाइन मारो, ठीक। फिर कॉडल फिन जो है ना, कॉडल फिन का टिप जो है बराबर इसके सीर में लो, इधर एक लाइन मारो, जहाँ से कॉडल फिन स्टार्ट होती है वहाँ पर एक लाइन मारो, जहाँ से ये बाइफर्केट होती है फिन्स उसी के सीर में एक लाइन डालो, जहाँ से ये कौन सी वाली फिन है, इसके जहाँ से ऑरेंज होती है एक, हाँ मगर ऐसे नहीं टेढ़ा रखना, सिकेर सीधे रखना, जहाँ से ये पेल्विक फिन जो है ऑरिजिनेट होती है वहाँ से एक, जहाँ से पेक्टोरल फिन ऑरिजिनेट होती है वहाँ से, जहाँ से ये डॉर्सल फिन ऑरिजिनेट होती है वहाँ से फायदा एक लाइन मारो, ठीक है। अब क्या करो देखो, जीरो से स्टार्ट है, कितना है देखो, इसको यहाँ से यहाँ तक कहते हैं टोटल कितना है 15.5, देखना है यहाँ से यहाँ तक 4 o'clock कितना है, ठीक है, यहाँ से देखना है कितना है तो लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ स्टैंडर्ड लाइन कितना है, यहाँ से लेके प्री डॉर्सल एंगल, यहाँ से यहाँ प्री डॉर्सल, यही प्री पेक्टोरल, यहाँ से यहाँ तक प्री पेल्विक PPEL जो उसके, यहाँ से यहाँ तक प्री एनल, ठीक है। अब डॉर्सल, यहाँ से यहाँ तक प्री डॉर्सल एंगल, ठीक है। अब है इसमें एक, अब है बॉडी डेप्थ, एक और है बॉडी डेप्थ, यहाँ से आप ऐसे लोगे ये सिक्योर, देखो यहाँ से ना ऐसे, या कोई मतलब जो यहाँ पर आप कोई कागज़ का टुकड़ा भी दे सकते हो, या नीडल, हाँ नीडल, इसको ऐसे रखो यहाँ से, दैट मीन्स ये इसकी सीम है और यहाँ से फिर क्या 3.6 कितना हो, और इसके बाद कॉर्डल डेप्थ जो मिनिमम लेंथ होगी बॉडी की यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ठीक है। इसके बाद हाइट ऑफ डॉर्सल फिन, हाइट में जो है जो ऑरिजिन ऑफ ये डॉर्सल फिन का ऑरिजिन है और इसकी जो टॉप लॉन्गर वाली फिन रे है वहाँ तक कितना है, ठीक है। इसके बाद हेड लेंथ स्नाउट से लेके ओपरक्यूलम जहाँ तक खत्म होता है वहाँ पे होते हैं ना, ये भी मेम्ब्रेन पेल्विक भी, ये उसमें 0.1, हाँ हम कहते हैं जो हेड लेंथ है स्नाउट से लेके जहाँ तक ओपरक्यूलम खत्म होता है वहाँ तक। इसके बाद प्री ऑर्बिटल लेंथ होती है यहाँ से स्नाउट से लेके जहाँ से ऑर्बिट स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आई डायमीटर, एक ऑर्बिट के एंड से दूसरे ऑर्बिट के एंड तक कितना है डायमीटर, ठीक है। इंटर ऑर्बिट, अब है इंटर ऑर्बिट लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक धागा लो, धागा लो यहाँ से आई ऑर्बिट जो है उसके बीच में रखो, फिर यहाँ से बराबर यहाँ तक रखो, फिर वही धागा मेजर हो गया, इंटर ऑर्बिट हो गया, मॉर्फोमेट्रिक कंपोनेंट।